और जब क्लास में पढ़ाने जाओ तो आधों को तो पेशाब लग जाती है और आधों का पेट खराब हो जाता है, और जो बचते हैं तो किसी के रिश्तेदार मर गए हैं, किसी के दादा मर गए हैं, किसी के कुछ मर गए हैं। अब बताइए, ऐसे में आपका पढ़ाने का मन करेगा? हेलो दोस्तों, आज हमारे बीच हैं प्राइमरी स्कूल के मास्टर जी शंभूलाल। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है संदीप शो 99 में। जी नमस्कार, नमस्कार मास्टर जी। आजकल हम देख रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल का स्तर गिरता जा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका जो कारण है बारिश है। माँ बाप अपने बच्चों को भेज देते हैं स्कूल, लेकिन बच्चे बारिश में खेलने निकल जाते हैं। अरे कुछ तो मछली पकड़ने निकल जाते हैं, ये कैसा कारण हुआ? और नहीं तो क्या, अब सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना ही कौन चाहता है? नाम हमारे पास लिखवा देते हैं और भेजते हैं प्राइवेट स्कूल में। तो फिर सरकारी स्कूल में नाम लिखवाने का फायदा क्या है? स्कॉलरशिप मिलती है ना, इसीलिए नाम हमारे पास लिखवाते हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए और पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। मस्त प्लान है। आजकल के माँ बाप तो बहुत चालाक है। हाँ अच्छा, स्कूल का टाइम जो है सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक है, लेकिन स्कूल तो दोपहर 1 बजे को ही बंद हो जाता है। देखिए टोटल बच्चे हैं स्कूल में 422, स्कूल आते हैं 22 बच्चे और वो भी 12 बजे खाना मिलने के बाद भाग जाते हैं। अब जब बच्चे ही भाग जाते हैं तो हम ही लोग 4 बजे शाम तक रुक कर क्या करें, तो हम लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं। बच्चे भाग जाते हैं तो फिर आप लोग उन्हें रोकते नहीं? अरे एक बार रोका था हमने, लेकिन मेरी मोटरसाइकिल पंचर कर दी थी। बताइए जब बच्चे ही ऐसे हों तो कौन रोकना चाहेगा? ये तो बहुत बदमाश बच्चे हैं। अरे इनसे ज्यादा तो इनके घर वाले खतरनाक हैं। एक बार हमने एक बच्चे को होमवर्क दिया, वो करके नहीं आया तो हमने एक थप्पड़ मार दिया उसको। उसके पूरे घर वाले आए, कहने लगे कि आपने ऐसे कैसे मार दिया। बताइए जब घर वाले ही ऐसे हैं तो बच्चे पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे? अच्छा हमने पता लगाया है कि कुछ बच्चे आपको उस पुल के पास मारने के लिए रोके थे। अरे हाँ, वो बच्चे क्लास में टिकटॉक बना रहे थे तो मैंने मना कर दिया और उनका मोबाइल फोन स्कूल में जमा कर दिया, इसीलिए नाराज होकर वो लोग पुल के पास घेर लिए थे मारने के लिए। वो तो गांव वाले थे, नहीं तो बड़ी मार मारते हमको। स्कूल में टिकटॉक बना रहे हैं बच्चे? अरे आधे तो आते ही हैं स्कूल में टिकटॉक बनाने। बताइए स्कूल टिकटॉक बनाने की जगह है कि पढ़ाई करने की? तो आपने उनके माँ बाप से शिकायत नहीं की? अरे मैं तो गया था शिकायत लेके, लेकिन जाकर क्या देखता हूँ कि वो लोग भी मोबाइल के सामने टिकटॉक बना रहे हैं, नाच कर रहे हैं। जब माँ बाप ही ऐसे हों तो बच्चे तो टिकटॉक बनाएंगे। बात तो सही है। अरे पूरे समाज का सत्यानाश हो रहा है और इसमें सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है। अच्छा हमने गांव वालों से बात की तो उन्होंने बोला कि आप पढ़ाते ही नहीं हैं, इसलिए बच्चों को नहीं भेजते हैं। नहीं, ये झूठ है। गिन चुन के 20-22 बच्चे आते हैं और जब क्लास में पढ़ाने जाओ तो आधों को तो पेशाब लग जाती है और आधों का पेट खराब हो जाता है, और जो बचते हैं तो किसी के रिश्तेदार मर गए हैं, किसी के दादा मर गए हैं, किसी के कुछ मर गए हैं। अब बताइए ऐसे में आपका पढ़ाने का मन करेगा? नहीं तो मैं भी जाता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा के ऑफिस में चला आता हूँ। अच्छा हमारी जो सरकार है समय समय पर एजुकेशन के लिए बहुत सारी योजनाएं लाती है लोगों को जागरूक करने के लिए, तो उसमें आपका किस प्रकार से योगदान है? बीच बीच में हम लोग भी गांव का दौरा करते हैं कि आखिर बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, तो जाके क्या देखते हैं कि कोई बच्चा अपने बाप के साथ पत्ते खेल रहा है, कोई दुकान पे खड़ा होके गुटखा खा रहा है।
और हमें देखते हैं तो कहते हैं, अरे पंडित जी इधर कैसे, रास्ता भूल गए क्या? हाँ, अरे कुछ तो पॉलिटिक्स की बातें करते हुए मिलते हैं। तो मैंने पूछा, आखिर स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, क्या दिक्कत है? तो वो बोलता है, वो सब छोड़िए, ये बताइए कि सरकार किसकी बनेगी। सब बच्चे खराब होते जा रहे हैं। अरे आजकल सभी को नेता बनना है। कुछ तो फेसबुक पे पोस्ट करते हैं कि नेताजी के साथ बिताए हुए कुछ पल। बताइए ये आजकल के बच्चों की सोच है, सब नेता बनेंगे। तो अगर आपको कुछ कहना हो, कुछ संदेश देना चाहते हो तो आप कह सकते हैं। जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है वो इस बात को समझिए कि एजुकेशन एक महत्वपूर्ण चीज है एक समाज को बनाने के लिए। तो अपने बच्चों को एजुकेट जरूर करिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे शो में आए, हमसे बातें की। नमस्कार 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 नमस्कार। तो मास्टर जी से बात करके ऐसा लगा कि वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन आजकल के माँ बाप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उन्हें शिक्षित करें आने वाले भविष्य के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले गेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।